नमस्ते, मैं हूं देव दृष्टिकोण प्रोडक्शन से और आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर। अब तक 12-13 लेक्चर हो चुके हैं, हमें काफ़ी कुछ पता लग चुका है। अलग अलग इफेक्ट्स हम देख चुके हैं, रिवर्ब, डिले, फ्रूटी फ्री फिल्टर, अपलिफ्टर किस तरह से बनते हैं, अरेंजमेंट के बारे में भी देख चुके हैं। ये भी पता लग गया है किस तरह से कोई सिंथ कॉल होता है चैनल रैक में और मिक्सिंग चैनल में किस तरह से वो साइन होता है। पिछले लेक्चर में हम ये बात भी कर चुके हैं कि वोकल्स किस तरह से रिकॉर्ड होते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि टेक्नोलॉजी तो हमें सारी अब तक फिलहाल जो भी हमने देखी है वो पता लग गई, लेकिन अप्रोच की अभी कमी है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे ऑनलाइन भी पूछते हैं और ऑफलाइन भी, जिन्हें मैं पढ़ाता हूँ, वो यही पूछते हैं कि सर ये सब तो ठीक है लेकिन गाना किस तरह से बनाएं। तो आज हम फिलहाल कोशिश करेंगे इस 5-10 मिनट के लेक्चर में, जितना भी ये लंबा चलता है, कि म्यूज़िक किस तरह से बनाएं, अप्रोच किस तरह से हो। और ऑब्वियसली अब म्यूज़िक बनाने में बहुत देर लगती है, क्योंकि प्रोडक्शन में उतनी देर नहीं लगती जितना सोचने में और उस पर विचार करने में वक्त लगता है। आपको ये सोचना होता है कि इस तरह की कोई मेलोडी आ जाए, पीछे इस तरह की कोई कॉर्ड आ जाए, ऐसी कोई मैं बेस लगा दूँ। फिर मेलोडी सोचने के बाद आपको इस चीज़ पर बहुत देर लगानी पड़ती है कि कौन सा पर्टिकुलर मैं इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट करूँ। बट चलिए फिलहाल देखूँगा मैं, जैसे जैसे मेरे मन में कुछ आता रहेगा मैं बनाता रहूँगा। मेरा स्टूडेंट है देबोजीत, उसकी ये आवाज़ है। हमने एक बहुत पहले एक मूवी के लिए काम किया था, वो एक हिंदी रीजनल मूवी थी, उड़ जाने दो, उसका ये टाइटल ट्रैक है। तो पहले हम वोकल सुनते हैं देबोजीत के। कुछ तकदीरों की जंजीरों से हूँ मैं बंधा, कुछ बंदिशों से घिरे गर्दिशों पे मैं चला। ये स्टूडियो में रिकॉर्ड हुए वोकल्स हैं, एकदम ड्राई वोकल्स हैं। देबोजीत बहुत ही अच्छा सिंगर है, आसाम से है, और आसाम से होने की वजह से उसके हिंदी का जो एक्सेंट है वो एक अलग सा ही आता है। इसकी टोनैलिटी भी गाने आवाज़ की बहुत अच्छी है, टेक्सचर बहुत अच्छा है, इसलिए इस पे काम करने में मुझे उस वक्त अच्छा भी लगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं देखूँ 65 की टेम्पो पर ये आवाज़ रिकॉर्ड हो रखी है। 65 कह लो चाहे 130 कह लो, बात एक ही है, क्योंकि 65 पे अगर मैं मेट्रोनोम सुनूंगा, कुछ तकदीरों, या मैं इसे करता हूं 65 का डबल 130, तो ये क्या करेगा, कुछ तकदीरों की जन, तो बात एक ही है, क्लिक डबल हो जाते हैं। तो हम 130 पे ही रखते हैं। आइए सोचते हैं क्या इस पे बनाएं। सबसे पहले टेम्पो मुझे पता लग गई, अब हमने देखनी है की। यहां क्लिक किया, मेट्रोनोम फिलहाल ऑफ कर रहा हूं। यहां हम ले लेते हैं वही FL कीज, बेसिक मेरा पियानो होता है, की फाइंड करने में बहुत ही आसान रहता है। कुछ तकदीरों की जंजीरों से हूं मैं बंधा, अब मैंने यहाँ पर ये जो क्लिक करके देखे हैं, ये हुआ मेरा सी शार्प, दो काले का पहला सी, तीन काले का पहला एफ, तो ये सी का अगला क्या हुआ, सी शार्प। इस पे हम आएंगे फिर से, कॉर्ड्स वगैरह क्या चीज़ है, स्केल वगैरह क्या चीज़ है और बाकी चीज़ें भी। फिलहाल मैंने किया ना 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 मैं हूँ, तो मैंने इस पे क्या गुनगुनाया, ये तीन नोट आए, ये तीन नोट मेरे सी शार्प माइनर स्केल पे आते हैं। स्केल के बारे में हम आगे जाके जरूर सीखेंगे, एक अलग लेक्चर सिर्फ स्केल्स की बात पर होगा, तो इसकी फिलहाल टेंशन मत लीजिए। राइट क्लिक, पियानो रोल, सी शार्प, आइए देखते हैं क्या ये आवाज इसके ऊपर बैठ रही है। पैटर्न वन पे क्लिक किया, ये यहां तक ले गए। कुछ तक की जंजीरों से हूं मैं बंधा, सही बैठ रही है। थोड़ा सा इसका वॉल्यूम बढ़ाते हैं, अच्छा कम हो रखा था, ठीक है। तो सी शार्प मुझे पता लग गया है कि इसकी की है गाने की, 130 इसकी बीट्स पर मिनट टेम्पो है। अब कुछ सोचते हैं,
पैटर्न वन क्लिक किया, पैटर्न वन पे अच्छा ये था, पैटर्न टू ले लिया है, यहाँ किया डबल क्लिक, कोई इंस्ट्रूमेंट लेता हूँ, मैं लेता हूँ हार्मलेस, चलिए हार्मलेस की बेसिक। चलिए जो बेसिक साउंड आ गई यही रखते हैं। फिलहाल मैंने ये चार लिए हैं, यहां सिलेक्ट करता हूं, वापस इस पे गया, ये एक बटन आपको दिख रहा है यहां पे है प्लक, इसके बारे में हम इलेबोरेट करके आगे जाके भी पढ़ेंगे, फिलहाल आप सिर्फ ये देखिए प्लक क्या काम करता है। बहुत सारे ईडीएम सॉन्ग्स में भी आपको ये दिखेगी, जब बड़ी बड़ी कॉर्ड्स चल रही होती है तो प्लक उसकी रिलीज को बड़ा छोटा सा कर देता है, अटैक एकदम टाइट कर देता है, तो बड़ा अच्छा सा साउंड करता है। सही है। पैटर्न पे क्लिक किया, सिर्फ मैं दो नंबर का पैटर्न ही सुनूंगा। कंट्रोल दबाया, इसे सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये उठा के वापस यहां। कुछ तकदीरों की जंजीरों से, ये मुझे मजा नहीं आया, क्या करूंगा मैं, ये सारा मैंने कर दिया रिमूव, इसको भी करते हैं डिलीट, इसको भी हटाया और इसको भी हटाया, इसको किया सिलेक्ट, आगे तक ले गए। कुछ तकदीरों की जंजीर, ये है ई, चलिए ई वाली चीज बात करेंगे। अब हमने क्या सीखा था, अगर आपको याद हो पियानो रोल वाले लेक्चर में, Alt A, जैसे मैंने Alt A क्लिक किया आरपेजियो मोड आ गया है, आरपेजिएटर आ गया है, प्ले करके देखेंगे। कुछ तकदीरों की जंजीरों से, दो रेंज वन ही ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया, इसे सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस करके मैंने नीचे की डायरेक्शन दबाई अपने कीबोर्ड पे, पूरे का पूरा एक ऑक्टेव नीचे चला जाएगा, अब ये C6 पे है, फिर आ जाएगा C5 पे, कंट्रोल प्रेस किया हुआ है पूरा सिलेक्ट करके, ये आ गया नीचे। थोड़ा सा और टाइट करते हैं, कैसे, मैंने ऑल्ट प्रेस किया, सारा सिलेक्ट तो हो ही रखा है, ऑल्ट प्रेस करके थोड़ा सा और टाइट। नाइस, ये तकदीर की जंजीरें थोड़ी करते हैं आगे, फिलहाल इसे पकड़ा आगे तक ले गए। पम 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 टिंग 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 टिंग, यहां लेते हैं एक बेस लाइन, पैटर्न किया 3, यहां डबल क्लिक, कोई बेस लाइन लेते हैं, एक्चुअली हार्मर की, हार्मर पे किया राइट क्लिक, राइट क्लिक से किया यहां एनालॉग बेस, मेट्रोनोम मैंने ऑन कर दिया है ताकि बिल्कुल बीट के ऊपर मैं जो भी मेरे मन में चल रही है रिदम मैं उस हिसाब से बनाऊं।
अभी मैं पहले नीचे जा रहा था फिर वापस ऊपर कर दिया, ये क्या है? आपके कान पक्के होने चाहिए। अगर आपको म्यूजिक थ्योरी बिल्कुल भी नहीं पता, आपको कॉर्ड्स नहीं पता, आपको सारे गामा क्या चीज़ें नहीं पता, फिर भी कोई टेंशन नहीं है। आपके कान सिर्फ इतना बता दे कि सुर में कौन सा है और बेसुरा कौन सा है। एक एक करके हम नोट ऊपर नीचे करते जाते हैं और जो सही नोट मुझे लग रहा होता है मेरे गाने के हिसाब से वह हम रख लेते हैं। तो आपके कान पक्के होने चाहिए, उसके लिए आपको क्या करना है, बहुत सारी लिसनिंग बढ़ाइए, अच्छे अच्छे गाने सुनिए। चलिए एक बेस लाइन सी बनाई है, इसे भी आगे कर दिया है, सुनते हैं क्या बना है। ऑफ, ये बेसलाइन थोड़ी बेटर है। बेसलाइन भी हमारी हो गई है, वापिस हम जाते हैं। अब जो पहले चल रहा है इसे डाला मैंने किसी नंबर में, 9 नंबर, वैसे तो डालना चाहिए था 2 नंबर का पैटर्न है, 2 में डालना चाहिए था, बट आप उस हिसाब से कीजिए। मैं तो फिलहाल थक जाता हूँ अगर मैं इस हिसाब से चलूँ, 2 वाला 2 में जाएगा, 4 वाला 4 में जाएगा, क्योंकि बाद में जाके इतनी सारी लेयर्स हो जाती हैं 50, 60, 70 कि फिर कन्फ्यूजिंग सा हो जाता है। मैंने किसी भी चैनल में डाला, इस पर किया मैंने क्लिक, यहाँ से मैंने थोड़ी सी ली रिवर्ब, यहीं से ओवरऑल कम कर दी। अंदर कुछ भी नहीं मैं छेड़ रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि अगर मैं एक एक चीज़ छेड़ने लग गया तो लेक्चर बहुत लंबा बन जाएगा। थोड़ी सी प्री डिले बढ़ाते हैं, एक एक नोट अकेला अकेला सुनेगा, 40 तक MS बहुत है। मैं 40 MS कहाँ देख रहा हूँ, हिंट पैनल में। यहां से ले लिया मैंने एक सिंबल, डबल क्लिक, रिवर्स, जूम किया और बिल्कुल यहां लगा दिया, ये लिया स्लाइस, शिफ्ट दबा के कट राइट क्लिक से। वापस लिया मैंने पेंट टूल, इसको थोड़ा सा वॉल्यूम रखूंगा मैं कम, इस पे गए किसी भी एक चैनल में गए, यहाँ क्लिक किया रिवर्ब, राइट क्लिक, बहुत बड़ा एरिना वाला, वो कैसी साउंड करता है आइए सुनते हैं। फिलहाल मैं भी एक बेसिक पैटर्न बना रहा हूं, इसको बाद में मैं और ब्यूटीफाई करूंगा, और ये मैं बड़ी जल्दबाजी में बना रहा हूं। ऑब्वियसली जब मैं अकेले बैठ के किसी के लिए गाना बनाऊंगा या खुद के लिए गाना बनाऊंगा तो बहुत फील से बनाऊंगा, ये नहीं है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लिया, जैसे अभी तो मैं यहां कुछ भी लेता जा रहा हूं, क्योंकि प्रोडक्शन की आपको एक बार अगर प्रैक्टिस हो गई तो बनाने में आपको 20-25 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है कि मैं कई बार बोलता हूँ या कोई भी म्यूजिशियन बोलता है, ये गाना बनाने में मुझे महीना लग गया, ये गाना बनाने में मुझे 2 हफ्ते लग गए, क्योंकि वो प्रोडक्शन टाइम को कंक्लूड नहीं कर रहे होते, इंक्लूड नहीं कर रहे होते कि 25-30 मिनट लगे, वो उस थिंकिंग प्रोसेस में जो इतनी देर तक वो चला कि यहाँ पर मैं क्या रखूँ, क्या मेलोडी रखूँ, बेस लाइन कैसी होनी चाहिए, पूरा गाना बनने के बाद बार बार उसे सुना, फिर जाके बेस लाइन चेंज कर दी, 100 बार गाना सुनने के बाद, बनने के बाद जाके बोला कि यार स्नेयर अच्छी नहीं है, चेंज कर दो, कोई और प्रकशन लगा दो, तो वो टाइम लगता है। फिलहाल हम अभी जल्दबाजी में ही कर रहे हैं। एक और पैटर्न, यहाँ पे किया क्लिक,
यहाँ जाते हैं, यहाँ से मैंने ले लिया है सिट्रस, ले लेते हैं। चलिए राइट क्लिक किया, राइट क्लिक मैंने कहाँ किया है, ये जो लेफ्ट राइट लेफ्ट और वाली नॉब होती है, ये ऊपर नॉब नहीं, जो भी है सिलेक्शन के लिए, और यहाँ से मैंने किया डिफॉल्ट। राइट क्लिक पियानो रोल, सी शार्प है, स्लाइड ऑन किया, थोड़ा ज्यादा ऊंचा से है, वेलोसिटी बढ़ा दी। यहां आए, देखते हैं क्या बना है। ना 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 टुम, ये एक चीज़ आ गई। इसकी लेवलिंग वॉल्यूम वगैरह कम ज़्यादा ये बाद में हम कर सकते हैं। ये मैंने काट दिया, ये भी मैंने काट दिया। चलिए बहुत बढ़िया, वापस पेंट टूल, इसे किया बंद। किक्स में आते हैं, सीधा यहां उठा के भी लगा सकते हो, या फिर यहां लेके आप चैनल रैक के अंदर भी स्टेप सीक्वेंसिंग कर सकते हो। फिलहाल मैंने डायरेक्ट यहां रख दिए। अब मेरे मन में आ रहा है कुछ इस तरह की फील आ रही है, तो मैंने किया गया। स्नेयर वापिस पीछे जाते हैं, कुछ बंदिशों से घिरे कर दिशों पे मैं चला। ठीक है, वापिस अब इधर आएंगे, यहां क्लिक किया, एक और पैटर्न लिया, इस पे क्लिक किया, डबल क्लिक, यहां क्लिक किया, हार्मर ही ले लेते हैं। चलिए FX पे क्लिक किया, इसकी डिले की बंद, राइट क्लिक, अच्छा ये आरपीजी इसका पहली ऑन है, देखते हैं क्या साउंड करता है। नाइस, पैटर्न मोड ठीक है। ऑल्ट यू चॉपर, उसने वो सबको काट दिया है। टाइम कम ज्यादा करके देख सकते हैं चॉपिंग का। एक्सेप्ट, सबको किया सिलेक्ट, ऑल्ट प्रेस करके थोड़ा पीछे, अच्छी फील दे रहा है। अब वॉल्यूम, वॉल्यूम वाली नॉब पे मैं गया, राइट क्लिक किया, क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप, इसको पकड़ के मैंने यहां तक किया, ये लिया मैंने स्लाइस, इसको यहां से काट दिया, पेंट टूल लिया, राइट क्लिक, यहां से मैंने कर दिया रिमूव, यहां मैंने किया जूम, जहां ये वॉल्यूम था उस पर एक राइट क्लिक करके मैंने यहां छोड़ दिया है, इस वाले को मैंने कर दिया है थोड़ा सा कम। सुनते हैं,
दिशों से घिरे कर दिशों पे मैं चला। आज भी वापिस ही लगा के देखते हैं, अभी भी कुछ फ्लेवरिंग की कमी है, थोड़ी और फ्लेवर हम करेंगे। कुछ तकदीरों की संजीरों से हम। एक और पैटर्न यहां किया, डबल क्लिक, फिर से एक और लेंगे, क्या लेंगे, जीएमएस में देखते हैं। देखिएगा अगर आपने ये VST खोल के देखा है, ये भी अच्छा है। चलिए जो भी साउंड आई है वही लेते हैं फिलहाल, नहीं तो टाइम लग जाएगा ज़्यादा। पैटर्न मोड जूम करके देखेंगे, बिल्कुल लाइन पर ही आना चाहिए। ये हिल गया था। इसको भी करते हैं Alt A। ऑल्टरनेटिव या नॉर्मल, रेंज 3, वन ही ठीक है। एक्सेप्ट किया, कंट्रोल ए, इसको भी जूम किया, सिलेक्ट किया और ऑल्ट प्रेस करके मैंने बहुत छोटा कर दिया। कंट्रोल ऊपर की डायरेक्शन, सीधा C5 से ये C6 वाले ऑक्टेव में चला जाएगा और ऊपर। फिलहाल ऊपर वाला देखते हैं क्या साउंड करता है वहां पे। कुछ तकदीरों की संजीरों से मैं बंधा, कुछ बंदिशों से कर दिशों पे मैं चला। ठीक है, डबल क्लिक किया, पूरा सिलेक्ट, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये दूसरा में आ गया है, इसे पकड़ा, डायरेक्शन कंट्रोल दबा के नीचे, नीचे के ऑक्टेव में भी आ गया, ऊपर के ऑक्टेव में भी आ गया। यहां क्लिक किया, पैनिंग, क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप, इसे पकड़ के यहां स्लाइस लिया, यहां काट दिया है, पेंट रिमूव, थोड़ा इधर। ये सिलेक्ट किया, आगे तक ले गया। आई होप ये आपको पता लग गया हो, नहीं पता लगा मैं आपको फिर बता देता हूं। वही था, राइट क्लिक से मैंने ये सब बनाए, उसके बाद ये मैंने रिमूव कर दिया, इसको पकड़ के मैं आगे तक चलता गया, यहां से कर दिया बंद। तकदीरों की संजीरों से मैं बंधा, कुछ बंदिशों से। जीएमएस को किया किसी भी नंबर में, 13 नंबर में। यहां से थोड़ी सी हम लेंगे डिले, हल्का सा वॉल्यूम और बढ़ाते हैं। ये पैनिंग इफेक्ट में मजा नहीं आया। राइट क्लिक, डिलीट,
राइट क्लिक डिलीट, खास मज़ा नहीं दे रहा डिले की वजह से। चलिए ठीक है, थोड़ा वाइट तो हो ही गया है। यहाँ आए, राइट क्लिक, क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप मैंने लगा दी है वॉल्यूम पे, इसको मैंने पकड़ा, यहाँ एक राइट क्लिक, इसे पकड़ कर दिया थोड़ा नीचे। कुछ बंदिशों से घिरे कर दिशों पे मैं चला। नाइस। इसे ही पकड़ा, यहां लगाया, क्लिक किया मेक यूनिक, डबल क्लिक, रिवर्स, वापस हटाया, ट्वेंटी नाइन नंबर में ये है। चलिए थोड़ा इस पर डिले, नहीं इसको अलग नंबर में लेते हैं, नहीं तो उसके ऊपर भी डिले लग जाएगी जो पीछे वाला था। 32 कर देते हैं, इसके ऊपर ली थी मैंने रिवर्ब, ये वाली ली थी, थोड़ी सी कर देते हैं चलिए कम। यहाँ पर मैंने ले ली एक डिले, राइट क्लिक, टाइमिंग कर दी मैंने 4 स्टेप्स, थोड़ा सा मैंने कर दिया कम, थोड़ा तेज़ कर रहा हूँ, वीडियो को आप पॉज कर करके देख सकते हैं जहाँ भी आपको ना पता लगे। दिशों से घिरे कर दिशों पे मैं चला। नहीं जचा, यहां लगानी पड़ेगी एक और मेलोडी, इस पे किया डबल क्लिक, फिर जाते हैं कहीं पर, 3x ऑसिलेटर लिया, मेरे हाथ एक्चुअली मुझे साउंड डिज़ाइन की बहुत आदत है और मैं कंट्रोल कर रहा हूँ कि मैं साउंड डिज़ाइन ना करूँ, क्योंकि वो आगे की हो जाएंगे। एक मिनट में चलिए टॉक्सिक में जाते हैं, टॉक्सिक में भी बहुत अच्छी अच्छी साउंड्स हैं। यहाँ से मैं गया लीड्स पर, पहले कोई भी एक बेसिक लेकर फ़िलहाल मैं कुछ बनाऊँ। Thank you.
साउंड मजेदार नहीं है। अब यही चक्कर है, जब आप मेरा गाना सुनोगे आप बोलोगे वहां तो बहुत अच्छी साउंड्स बज रही हैं, यहां पर ऐसा क्यों है? क्योंकि ऑब्वियसली वो टाइम लगाया गया है, बैठ बैठ के सोचा है। कभी कभी तो ऐसा लगता है तीन तीन चार चार घंटे सिर्फ एक साउंड के ऊपर ही हो जाता है कि कौन सी साउंड मैं पर्टिकुलर सिलेक्ट करूं, और अगर वो सिलेक्ट नहीं हो रही होती है तो उसे हम डिजाइन करने बैठते हैं। डिजाइनिंग की बात हम आगे जाके करेंगे। डिले लिखा था, आपको सुन के ही पता लग जाना चाहिए इसमें डिले बज रही है। अगर आपको नहीं भी पता वो कहाँ है, ढूंढो किसी भी दुनिया के सिंथ में, एबलटन, क्यूबेस, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी हाथ में हार्डवेयर सिंथेसाइजर, कुछ भी आपके पास मूव पड़ा हो, कोई पड़ा हो, देखो डिले बज रही है, रिवर्ब बज रही है, कहाँ है इसकी नॉब, ये रही, ऑफ कर दो। यहाँ से गए हम एक और नंबर में, 29 में, अच्छा पहली डाल रखा है, चलिए 15 खाली है, 15 में आ जाते हैं। यहाँ ली हमने रिवर्ब, इस पे क्लिक किया, फ्रूटी फ्री फिल्टर फिलहाल फुल, नाइस। राइट क्लिक से इसे कर दिया हमने सिलेक्ट, यहां गए इस पे किया डबल क्लिक, राइट क्लिक, क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप, सिलेक्ट किया होगा तो उतने ही एरिया में ऑटोमेशन क्लिप आएगी, आपको बाद में काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने इसे किया नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ज्यादा कर दी, राइट क्लिक डिलीट, ये फुल से उल्टा जाते हैं, फुल से हम थोड़ा इतना ही जाएंगे बस। ये भी राइट क्लिक डिलीट और इसे किया आगे तक, पकड़ के कर दिया यहां, राइट क्लिक अकेला, वापस राइट क्लिक, सारे ऑन। दूसरे सॉफ्टवेयर से जाएंगे, या एस और एम लिखा होगा, एम बोले तो म्यूट, एस बोले तो सोलो। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये पकड़ा, ये आ गया यहाँ, फिर से किया कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये पकड़ा, चलिए रिदम लगा दी आगे, इसे पकड़ा फिलहाल, इसको भी खींच दिया, इसको पकड़ के भी खींच दिया, ये भी चलिए। अब ये पूरा लाइन टू लाइन एकदम है, ये कुछ ऐसा नहीं है कि स्नेयर जैसे आगे खाली हो गया या किक थोड़ा खाली हो गया, बिल्कुल लाइन टू लाइन है, तो बहुत ईजी है। इसे सिलेक्ट किया कंट्रोल बी, बी फॉर बॉल, कंट्रोल बी कंट्रोल बी कंट्रोल बी, अपने आप जुड़ता जाएगा। आज भी प्यास है, आज भी, मैंने एक और वोकल इसका ले लिया है, यहां किया क्लिक, इसे कर दिया मैंने मेक यूनिक, आज भी प्यास है, आज भी। प्यास है छुटी हुई आस है, राइट क्लिक राइट क्लिक, स्लाइस, एक दो तीन चार, नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह,
इस तरह से काटने की जगह एक और ऑप्शन भी है, इसके ऊपर जाएंगे, ये हाथ बना जाएगा, इस पर क्लिक किया, यहाँ गए चॉप, ये बोलता है चॉप इन बीट्स और चॉप इन बार, आप क्लिक कर सकते हैं, बार नहीं सॉरी एक मिनट, चॉप इन बीट्स, चार बीट्स में कर दिया, चलो थोड़ी सी हेल्प कर दी इसने, बाकी हम कर लेते हैं शिफ्ट दबा के, हाँ ये शिफ्ट प्रेस करके होगा, नहीं तो आपको सिंपल ये वाला करना पड़ेगा, ये जो हम पकड़ के करते हैं, शिफ्ट दबाया होगा तो बस क्लिक चलता है, ऑल्ट, प्यास है लिपटी हुई, आस है आज भी, डबल क्लिक इसको किया किसी और नंबर में 38, यहाँ जाते हैं हम डिले, डिले को कर दिया राइट क्लिक, सेट किया 4, टाइमिंग कर दी बहुत कम, किसकी, ये जो मैंने गेटिंग किया, कट 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 कट, गेटिंग का अलग प्लगइन भी होता है जिससे हम इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अभी हमने उसकी बात नहीं किया, तो फिलहाल मैंने आपको बताया स्लाइस से भी ये कर सकते हैं, बाद में बहुत आसान हो जाएगा, ये अपने आप ही वो काटेगा। लिपटी हुई आस है। डिले से थोड़ा अच्छा इफेक्ट आ गया है, हल्का सा मैं ऑफसेट दे देता हूं, थोड़ा लेफ्ट राइट वगैरह फील करेगा। वापस जाते हैं, आज भी प्यास है, थोड़ी कम, आज भी हैट, पैटर्न नया लिया, क्लीन हैट, राइट क्लिक, आज भी मैं चाहता हूँ चिचिक छिचिक छिचिक छर छर कुछ अलग अलग चीज़ें। ये मेरी लाइन जब यहाँ पर सिलेक्ट होती है, आप इस सेक्शन में देखेंगे ये स्नैप ग्रिड, ये मेरा ग्रिड है 1, 2, 3, 4, इस पर अपने आप स्नैपिंग होती है, जब आप क्लिक करते हैं अपने वो लाइंस पे ही फिट होता है। मैंने इनको कर दिया 1/2 स्टेप, जैसे मैं 1/2 करूँगा ये जो 1, 2, 3, 4 है ये हाफ हाफ हो जाएंगी और 4 की जगह 8 हो जाएंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ऑल्ट पकड़ के पीछे एक छोड़ा, देखते हैं क्या फ्लेवर बनता है। वन बाय थ्री बीट, पूरे को बस 3 बीट में कर दिया, 1, 2, 3, 1, 2, 3। 1/6 बीट, 1, 2, 3, 4, 5, 6। प्यास है, प्यास है। 1 सिंपल किया लाइन, ये वाली फिलहाल 3 नहीं रखेंगे, 1, 2, 3, 4 ये भी हटाते हैं। प्यास है, प्यास है। फील आ रही है, राइट क्लिक किया, नोट पैन, ये सारे जितने भी आपके हैट्स हैं इसकी पैनिंग आ गई, वैसे तो ये सुन के करना चाहिए बट मैंने वैसे ही कर दिया है, सुनते हैं क्या फर्क पड़ा।
प्यास है। हेडफोन्स में सुनोगे तो और भी फील आएगी। प्यास है लिपटी हुई आस है, नई दास्तां लिखने दो इन रिश्ते जख्मों को मिटने दो, नई दास। कंट्रोल सी कंट्रोल वी पकड़ के नई दास्तां, शिफ्ट एक नीचे ये पकड़ा, ये यहां लगाया थोड़ा आगे। नई दास्तां लिखने दो इन रिश्ते जख्मों को मिटने दो, नई नस्लों को आने दो लम्हा सुकून का पाने दो, जाने दो। कंट्रोल बी रिमूव, नई दास्तां लिखने दो इन रिश्ते जख्मों, नई एक और पैटर्न लिया नहीं, यहां आप कोई भी चीज ऐड कर सकते हो डबल क्लिक। फिलहाल मैं यहां कुछ मैंने कॉन्टैक्ट लाइब्रेरीज परचेज कर रखी हैं, चाहता तो मैं वो था जो मेरी फील आ रही है सुन के, लेकिन मैं वो फिलहाल नहीं कर सकता क्योंकि अभी मैंने आपको नहीं बताया है कॉन्टैक्ट क्या चीज़ है। तो यहाँ जाते हैं हार्मर में ही देखते हैं कुछ कीबोर्ड क्या कहता है। स्ट्रिंग्स ढूंढ रहा हूं मैं एस दबा के, वाह है ही नहीं। तो कुछ वायलिन टाइप देखते हैं, वायलिन पहली चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स मैं कभी भी इलेक्ट्रॉनिकली यूज नहीं करता और आप भी ना करें तो अच्छा रहेगा। वायलिन, गिटार, सितार, सारंगी, तुम्बी, मेनली यही जो रियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि गिटार के बहुत अच्छे प्लगइन्स आते हैं, आगे जाके मैं बताऊंगा, बहुत सारे प्लगइन्स हैं, रियल गिटार है और भी कुछ हैं, अच्छी साउंड करते हैं, लेकिन रियल की जो फील है वो रियल ही है। असली इंसान जब खड़ के रिकॉर्ड करता है तो बहुत अपने, पहली चीज़ तो यह है कि उसे बहुत सालों का एक्सपीरियंस होता है। एक्सपीरियंस को कोई भी VST बीट नहीं कर सकता। आप जितनी मर्जी आवाज़ पे ऑटो ट्यून लगा लो, कुछ लगा लो, लेकिन सोनू निगम जैसे सिंगर का जो 20-20, 30-30 साल का रियाज है, उसे कोई ऑटो ट्यून बीट नहीं कर सकता। रियाज रियाज है, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस है। तो एक गिटार प्ले करने वाला जो गिटारिस्ट है वो बैठा होगा माइक के आगे, तो पहली बात तो ये है कि आप उसे कोई चार चीज़ें बताओगे, वो अपने अंदर से ही दो चीज़ें और बताएगा कि यूं करके बता दूं या आपके गाने पे यूं भी जच सकता है, मैं ये लगा के दिखाऊं, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा, उसके हाथ की जो डायनामिक्स है, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी स्ट्रमिंग अलग कभी कुछ, तो उससे एक बहुत ही फ्रेशनेस सी आ जाती है, मोनोटनस नहीं रहता आपका गाना, ये नहीं रहता कि मोनोटनी सी है, वो एक लूप चल रही है, झिंग 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 कर रही है। इस वजह से कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जो मैं हमेशा रियल रिकॉर्ड करना ही प्रेफर करता हूँ। फ्लूट मैं कभी भी
कोई भी VST से यूज़ नहीं करता, फ्लूट हमेशा ही मैं रिकॉर्ड करवाता हूँ किसी अच्छे फ्लूट प्लेयर से। फिलहाल आपको बताने के लिए मैंने चलिए वायलिन ले ली है। वायलिन जैसी साउंड है, राइट क्लिक, पियानो रोल। अरे बातों बातों में भूल ही गया, मेरे मन में मेलेडी क्या बन रही। चलिए कुछ और देख लेंगे। आस है, नहीं दास। नई दास्तां नने नने याद रखिए, पैन लेफ्ट हो रखा है। अगला कोई भी सिलेक्ट करेंगे तो कई बार हम भूल जाते हैं और सब कुछ लेफ्ट या राइट में ही बजना शुरू हो जाता है। राइट क्लिक, वापस की नोट वेलोसिटी। साउंड बहुत डेड है यार, थोड़ा बढ़ाते हैं, यहां से ही बढ़ा सकते हैं। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, वॉल्यूम कम है। यहां जाते हैं हम फ्रूटी कंप्रेसर लेंगे। इनको छेड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली उनकी वेलोसिटी बिल्कुल बराबर है, सिर्फ गेन बढ़ाऊंगा। लाइन टू लाइन स्नेयर, कंट्रोल बी कंट्रोल, चलिए कोई बात नहीं, इधर आ गया। कंट्रोल बी की जगह शायद कुछ और प्रेस हो गया मुझसे। उड़ जाने दो, जाने दो। क्लिक, मेक यूनिक, अंदर गए,
कंट्रोल ए आगे तक कर दिया। उड़ जाने दो, वोकल में फिलहाल मजा इसलिए नहीं आ रहा, बिल्कुल ड्राई पड़े हैं। उसके ऊपर मैंने रिवर्ब डिले तक नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं जिस दिन हम वोकल मिक्सिंग की बात करेंगे उस दिन ही बढ़िया रहेगा। हाँ सही है, इसी को हम उस दिन मिक्स करने की सोच सकते हैं, या देखेंगे तब तक अगर हम कुछ और भी बना लें। इसे सेव ही कर लेते हैं। कंट्रोल एस मैंने यहाँ किया, प्रोजेक्ट सेवन, इधर गए हम, उड़ जाने दो ट्यूटोरियल UJD। चलिए देवजीत की सांस की आवाज आ रही है, काट दी। रिप्लेस हार्मर में लेते हैं एक लीड, राइट क्लिक, पियानो रोल। जाने दो, be brave yourself and hold up, no sin, live to the fate and stand up for something. रैप सेक्शन आ गया, इतना आगे नहीं जाएंगे।
be free, be yourself and hold up to no string. Live it to the fate and stand up for something. Brace yourself, you must. एक और पैटर्न लिया, इस पे किया क्लिक, डबल क्लिक, यहां से हम गए 3x ऑसिलेटर पे। ये मैं जो अभी अपलिफ्टर बनाऊंगा, ये आप पिछले ना जाने कौन से लेक्चर में था, मुझे एग्जैक्ट लेक्चर का नंबर याद नहीं, वहां पर मैंने बताया था किस तरह से अपलिफ्टर या राइजर बनता है वाइट नॉइज वाला। स्लाइस किया, राइट क्लिक से रिमूव कर दिया, बाहर आए, बहुत बड़ा चाहिए, ठीक है। और आगे तक जाएंगे हम, यहां चले गए, ठीक है। एक नंबर में गए, यहां गए, इस पर क्लिक किया, यहां से मैंने फिर से ले लिया फ्रूटी फ्री फिल्टर। ठीक है, इसे किया मैंने सिलेक्ट, राइट क्लिक से वापस गए, इस पर क्लिक किया, राइट क्लिक, क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप, क्लिप आ गई है, पकड़ा इसको, ले गए इसके नीचे, ये पकड़े कर दिया ऊपर। यहां जाके मैंने क्या किया, थोड़ी रिवर्ब लगा दी, ना ना ने दो हूं, उड़ जाने दो। हल्की फील के लिए रिवर्ब नहीं डिले, थोड़ी सी मैं रिवर्ब और डिले इसमें डाल रहा हूं। कुछ तकदीरों की जंजीरों से हूं मैं बंधा, कुछ बंदिशों से घिरे कर दिशों पे मैं चला। ये देखिए डिले से क्या फील आती है। आज भी प्यास है लिखती हुई आस है, नहीं रास्ता लिखने दो इन रिश्ते जख्मों को मिटने दो, नई नस्लों को आने दो लम्हा सुकून का पाने दो, जाने दो जाने दो जाने दो, उड़ जाने दो। ये जो वायलिन है ये तो बिल्कुल नहीं जमी,
सुर वगैरह फिर भी ठीक थे, लेकिन इंस्ट्रूमेंट इतना ख़राब है कि यहाँ पर थोड़ा अजीब लग रहा है। बट चलिए, आपको फिलहाल मैं बताना चाहता था ओवरऑल अप्रोच किस तरह से हो। ये मेरा इनिशियल है, मेरी इंट्रो है, यहाँ से सिलेक्ट होता है, पहला वर्स आ जाता है, फिर वो चलता जाता है। यहाँ कोई राइजर्स वगैरह मैं और लगा सकता था और पीछे कुछ चीज़ें वगैरह लगा सकता था। फिलहाल कॉर्ड्स वगैरह मैंने नहीं बताई, तो ज़्यादा कॉर्ड्स के साथ मैं नहीं खेला। यहाँ जाके आपका राइजर आ गया, फिर मेरा ड्रॉप आया, उड़ जाने दो ढां। इसका जब ये गाना बनाया था, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये रहा उड़ जाने दो का रीमिक्स वर्जन और ये है उड़ जाने दो का ओरिजिनल वर्जन। पहले ओरिजिनल सुनाता हूं मैं थोड़ा सा। कुछ तकदीरों की जंजीरों से हूं मैं बंधा, कुछ बंदिशों से घिरे कर दिशों पे मैं चला। यह है इसका रीमिक्स वर्जन। तो आप दोनों ही वर्जन सुन सकते हैं, आपको अब थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा किस तरह से गाना बनता है। ऑब्वियसली ये दोनों थोड़ी बेटर साउंडिंग कर रहे होंगे, पहली चीज़ तो ये मिक्स हैं, दूसरी बात ये भी है कि उन पे टाइम लगाया गया है, ये जल्दबाजी में नहीं बनाया गया है। तो फिलहाल मैं आपको बताना चाहता था अप्रोच किस तरह से होती है और अपनी प्रोडक्शन की अरेंजमेंट की प्रोग्रामिंग की अप्रोच बेटर किस तरह से होगी जब आप बहुत सारे गाने सुनेंगे। अपनी लिसनिंग बढ़ाइए, एक ही तरह का गाना मत सुनिए। अगर आप पंजाब से हैं तो सिर्फ पंजाबी म्यूज़िक मत सुनिए, अगर आप अपना महाराष्ट्र साइड के हैं तो सिर्फ मराठी गाने मत सुनिए, अगर आप यूपी साइड के हैं तो सिर्फ हिंदी गाने मत सुनिए। अलग अलग गाने सुनिए, हर तरह का म्यूज़िक सुनिए। आप कोरियन म्यूज़िक सुनिए, आप दक्षिण भारतीय का कितना अच्छा म्यूज़िक होता है, इलैयाराजा का म्यूज़िक सुनिए, एआर रहमान का म्यूज़िक सुनिए, और जितने भी हैं बाहर के वेस्टर्न हो गए उनका म्यूज़िक सुनिए। हर तरह का म्यूज़िक हमें सुनना चाहिए, एड शीरन हो गया और सारे आर्टिस्ट हो गए। जितना ज़्यादा आप सुनेंगे, जितनी ज़्यादा आप लिसनिंग करेंगे, उतने ज़्यादा ही आपके कान ट्रेन होंगे। जितने ज़्यादा आपके कान ट्रेन होंगे उतनी ही जल्दी आप मेलोडीज़ बनाएंगे, उतनी ही अच्छी आप कॉर्ड्स बनाएंगे, उतनी ही अच्छी टोनल क्वालिटीज़ की आप साउंड सिलेक्ट करेंगे। आपकी किक, आपकी स्नेयर, आपके सिंथ सब पक्के पक्के एकदम अच्छे अच्छे साउंड सिलेक्ट होंगे। ये नहीं होगा कि कच्चा कच्चा सा साउंड है। तो चलिए, फ़िलहाल आपको अप्रोच बता दिया है, लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है आई थिंक। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए देव फ्रॉम दृष्टिकोण प्रोडक्शंस साइनिंग आउट। नमस्ते।